दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर ही कैसे 100% नेचुरल ऑर्गेनिक हल्दी को तैयार कर सकते हैं, कैसे हल्दी को सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं, साल भर तक कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाजार से नकली मसाले नहीं खरीद के लाने पड़ेंगे, आप अपने ही घर में 100% नेचुरल हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ले आइए कच्ची हल्दी। जितनी क्वांटिटी में हल्दी सुखाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी ले आइए। ये आधा किलो हल्दी है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में चीज को मत सुखाइए। चाहे आप कोई भी चीज सुखा रहे हैं, कम क्वांटिटी में सुखाइए और लगातार 3-4 दिन तक सुखाते रहिए। ऐसा करने से आपकी चीज खराब नहीं होती है, कम क्वांटिटी में जल्दी सूख जाती है और उसका कलर भी बरकरार रहता है। दोस्तों ये हल्दी देखने में बिल्कुल अदरक की तरह नजर आती है, परंतु जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये अंदर से पीली होती है। अब इन्हें अच्छे से धोना है क्योंकि इन पर बहुत सारी डस्ट लगी होती है। हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ कर इन्हें धो लीजिए, साफ कर लीजिए। जब ये साफ हो जाए तो एक बर्तन में इन्हें निकाल लीजिए। एक साफ टॉवल ले लीजिए, उससे इसका सारा पानी सुखा लीजिए। इसे ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद अब हमें हल्दी को छीलना है। टिप नंबर 2, आपको हल्दी बिना छीले नहीं सुखानी है। मैंने कई वीडियोस में देखा है जिसमें बताते हैं कि हल्दी को छिलके समेत सुखाइए, परंतु आपको छिलके को हटाना है, छिलके समेत नहीं सुखाना है क्योंकि उससे हल्दी का रंग काला पड़ जाता है। सारी हल्दी को छील लीजिए, चाहे पिलर की मदद से छीलिए, चाहे चाकू की मदद से इन्हें छील लीजिए। दोस्तों हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि एक औषधि भी है। खांसी जुकाम से लेकर चोट लगने तक हल्दी का प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटी एजिंग, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर कच्ची हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। छीलने के बाद हम लेंगे एक कद्दूकस। टिप नंबर 3, आप यहाँ पे चिप्स कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइसेस करने के लिए, या फिर आप मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर सकते हैं, पर बारीक कद्दूकस मत कीजिएगा, उससे इसका रस काफी निकल जाता है। आप मोटे कद्दूकस से कीजिए या फिर चिप्स कटर से इसके स्लाइसेस कर लीजिए। ये लीजिए मेरी सारी हल्दी कद्दूकस हो गई है। मैंने दोनों तरह से किया है, इसको स्लाइसेस भी की हैं और कद्दूकस भी कर लिया है। टिप नंबर 4, कभी भी हल्दी को अखबार पर मत सुखाइए क्योंकि अखबार इसका रस पी जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। हल्दी को हमेशा प्लेट में या पॉलिथीन पर सुखाइए। इसे डिवाइड कर दीजिए 2 या 3 प्लेट्स में और बिल्कुल फैला दीजिए। फैलाने के बाद इसे रख दीजिए धूप में। टिप नंबर 5, जब भी कोई चीज आप धूप में सुखाएं, खाने की कोई चीज को सुखाएं, तो उसे कवर करके रखिए किसी जाली से या छलनी से, ताकि उसमें डस्ट ना चली जाए। अब हम इसे धूप में रखेंगे। ये देखिए मैंने इसे धूप में रख दिया है और ऊपर से इसे कवर कर दिया है छलनी से। इसे 1 दिन भी लग सकता है और ये 2 दिन में भी हो सकते हैं। बीच में इसे अल्टी पल्टी करते जाइए ताकि नीचे की जो हल्दी है वो भी सूख जाए। प्रिय दोस्तों एक बार अपनी हल्दी चेक करके आते हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। ये देखिए मेरी हल्दी आधी से ज्यादा सूख चुकी है, हाफ ड्राई हो चुकी है। अभी इसे 2-3 घंटे और लगेंगे सूखने में। मैं इसे हिला देती हूँ ऊपर नीचे करने से, ये हल्दी जल्दी सूख जाएगी। तो दोस्तों मेरी हल्दी 1 ही दिन में सूख गई है। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। मैंने इसे मॉर्निंग में रखा था और शाम को 4 बज रहे हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे पीसना कैसे है। आपने इसे डालना है मिक्सी ग्राइंडर में और इसे पीस लेना है। आपका मिक्सी ग्राइंडर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे कपड़े से ड्राई कर लीजिए और इस हल्दी को पीस लीजिए। ये बहुत आसानी से पीस जाती है और बहुत ही जल्दी पीस जाती है। ये देखिए हमारी हल्दी पीस चुकी है, कितना बढ़िया कलर आया है इसका। टिप नंबर 6, ग्राइंडर में पीसने के बाद कभी भी चीज को एकदम से कंटेनर में ना डालें, क्योंकि चलाने से उसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है। उसे एक बार कटोरी में या बाउल में जरूर निकाल लें।
हल्दी को पीसने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इसे छान भी सकते हैं। इसे छान लीजिए और फिर किसी साफ और सूखे कंटेनर में भर लीजिए। ये लीजिए, हमारी प्योर ऑर्गेनिक 100% नेचुरल हल्दी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से बाजार से हल्दी ले आइए और उसे अपने घर में ही सुखाइए। बाजार की मिलावटी हल्दी को बाय बाय कीजिए और इस्तेमाल कीजिए अपने घर में ही 100% नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक हल्दी का। आप इसका हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसे फेस पर लगाइए, चाहे इसे पानी में डालकर पीजिए, या फिर दूध में उबालिए, या अपने सब्जियों में डालें। ये आपको वो सभी पोषक तत्व देगा जो इसके असली गुण हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।